से हमारे संवाददाता फरहान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी फरहान, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो आज ऐसी कौन सी खबरें हैं जो दिन भर छाए रहने वाली हैं? देखिए मधु, मैं सबसे पहले बात करूंगा लटेरी की। लटेरी में आज कांग्रेस की बड़ी आम सभा होने जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हेलीकॉप्टर द्वारा अभी कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंचेंगे, और यहां के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के गंगनेन्द्र रघुवंशी, उनके पक्ष में वो सभा को संबोधित करेंगे। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 13 नवंबर को आ रहे अमित शाह के दौरे को लेकर उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसमें अच्छी भीड़ पहुंचे इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है कि लगी हुई है। प्रशासनिक स्तर पर भी अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं। संभवतः ये कार्यक्रम नया बस स्टैंड या दशहरा मैदान पे होगा। अभी हमारी कुछ सूत्रों से बात हुई है तो उनका साफ तौर पे कहना है कि एक आज जो है कि पूरा कार्यक्रम सेट हो जाएगा कि कहाँ उनकी आम सभा होनी है, और बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पे लाने की कवायद बीजेपी कर रही है। वहीं अगर मैं बात करूं तो इस समय जो है कि एक वीडियो वायरल हो रही है यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उमाकांत शर्मा की, वो वायरल हो रही है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे नुकसान उठाना पड़ेगा। जिसमें वीडियो वायरल में जो प्रत्याशी हैं उमाकांत शर्मा, वो बोलते नजर आ रहे हैं एक सभा में कि जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, जो नरेंद्र मोदी का नहीं, जो शिवराज सिंह चौहान का नहीं, वो अपने बाप का नहीं। तो निश्चित तौर पे इतना बड़ा बयान ये दिया है यहाँ के प्रत्याशी उमाकांत शर्मा ने, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्थानीय लेवल की अगर हम बात करें तो जो मतदाता हैं उनमें भी रोष है, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी जो है कि इस पर आलोचना की है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस पे जो है कि नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं मधु, मैं अब बात करता हूं त्योहारों की, तो सरोंज में त्योहारों की जबरदस्त धूम है। मार्केट में बड़ी संख्या में खरीदारों का जमावड़ा उमड़ रहा है, लेकिन खास बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद और इतना त्योहारों में भीड़ आने के बाद प्रशासनिक स्तर की तैयारियां बिल्कुल सिफर देखी जा रही है। जहां पे पटाखा बाजार लगा हुआ है वहां पहुंच मार्ग तक प्रशासन ने कोई खास व्यवस्था नहीं की है। वहीं अगर सरोंज के हम मेन मार्केट की बात करें तो मेन मार्केट में दिन भर जमावड़ा लगा रहता है वाहनों का और अतिक्रमण का, तो ऐसे में प्रशासनिक स्तर की तैयारियां नहीं होने की वजह से काफी लोगों को दिन भर परेशानी उठाना पड़ रही है। वहीं दुकानदारों का भी कहना है कि लंबा जाम लगने के कारण उनकी दुकानदारी पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। जी मधु जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया फरहान।